नाउ आर इज इक्वल टू 3 मीटर, यू इज इक्वल टू -5 मीटर, देन वट इज वी, यानी द पोजिशन ऑफ द इमेज क्या होगी. बाई यूजिंग द फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपको मैंने मिरर फॉर्मूला बताया था. अब बेटे इस मिरर फॉर्मूले में आपको 3 पॉइंट्स हैं, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. इस फॉर्मूले में आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 में से आपको 2 पॉइंट्स नोन होने चाहिए, जो कि आपको सिर्फ 1 पॉइंट नोन है, दैट इज़ यू. यू ही आपको गिवन है -5 मीटर. ना तो आपको वी पता है, ना ही आपको एफ़ पता है. लेकिन एफ़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, रेडियस है. और वो फॉर्मूला क्या था, एफ़ इज़ इक्वल टू R/2. आर कितना है अब हमारे पास, 3/2 मीटर. अब फोकल लेंथ कितनी हो गई, 3/2 मीटर. और कन्वेक्स मिरर में जो फोकस बनता है वो आपकी कौन सी साइड बनता है, बिहाइंड द मिरर. यानी एफ़ कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी ये कैसा रहेगा, +3/2 मीटर. अब पुट करेंगे. अब बेटे ये तो 1/f है और ये हमारे पास क्या था, f था. तो इसको डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1/f कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 मीटर. अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, 2/3 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. u कितना है, -5. देन 2/3 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5. अब हमें v फाइंड आउट करना है. सॉल्व करेंगे जैसे हम मैथ्स में आप सॉल्व करते हो, 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5. 15 एलसीएम हो जाएगा, 10 प्लस 3, दैट इज 13/15 1/v. बेटे ये क्या है आपका, 1/v, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है. देन v इज इक्वल टू 15/13 मीटर. इसका मतलब अगर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.13 समथिंग जो है आपका आंसर आएगा. और ये भी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है. इसका मतलब ये v के पॉजिटिव साइन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव साइन इसका मतलब राइट ऑफ द पोल ऑफ द मिरर, यानी मिरर के ये राइट साइड पर है. और राइट साइड पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं. तो पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि मिरर की जो इमेज पोजीशन है वो कौन सी साइड पर है, राइट साइड पर है. और राइट साइड है इसका मतलब बिहाइंड द मिरर है. और अगर बिहाइंड द मिरर तो कैसी होती है, वर्चुअल होती है. इसका मतलब हमें नेचर तो हमें पता लग गया कि कैसा होगा, वर्चुअल होगा. ठीक है, अब दूसरा साइज़ कैसे पता लगेगा, उसके लिए मैंने आपको बताया था m इज़ इक्वल टू h' / h इज़ इक्वल टू -v/u फॉर्मूला होता है. तो अब यहाँ पर हमें ना तो हमें h डैश गिवन है ना h गिवन है, यानी अगर हम ओनली m और -v/u इन दो टर्म्स को लेके साइज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, m इज़ इक्वल टू -v/u. v कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया, 15/13, और u -5. तो ये अपॉन में है, यानी मल्टीप्लाई है 1/-5. 5 × 3 = 15, यानी -3/13. इसको आप सॉल्व करेंगे लगभग ये 0.23 समथिंग आएगा. तो इट इज़ जस्ट m इज़ फाइंड आउट. इसका मतलब ये हुआ कि साइज़ ऑफ द इमेज, यानी जो इमेज की साइज़ होगी वो जस्ट मैं -0.23 है. और आपकी ऑब्जेक्ट कितने साइज़ की थी, 5 मीटर की थी, और ये कितनी है, 0.23 ओनली. तो इसका मतलब इट इज़ द इमेज इज़ स्मॉलर बाय 0.23.